बेसिकली अभी हमारे इस नारनौल के टूर में हम हैं चोर गुंबद के पास, और चोर गुंबद की बात की जाए तो ये जमाल खान ने बनवाया था, जो एक अफगान रूलर था 1351 से 1358 के बीच में, या मान लीजिए फिरोज शाह तुगलक के टाइम मकबरा ही बनवाया था। लेकिन ये उस वक्त शहर से काफ़ी बाहर बनाया गया था, जो लोग चोरी करते थे या खून खराबा करते थे उस तरीके के लोग यहाँ रुकते थे, इसलिए इस जगह का नाम भी चोर गुंबद पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं चोर गुंबद। चोर गुंबद भी देखना है और इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड का मैच भी देखना है, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। मतलब बहुत डायलमा की सिचुएशन है कि आपको चोर गुंबद दिखाया जाए, मैच देखा जाए, पसीने आ चुके हैं, इंटेंस माहौल है, सिर्फ मैच में नहीं, चोर गुंबद पे नहीं, मेरे अंदर भी। वैसे मैं यहाँ पे सिंगिंग का रियाज अच्छा कर सकता हूँ, मतलब उसके लिए परफेक्ट जगह है। अभी मकबरा कितना बचा हुआ वो एक बड़ी संशय की बात है। रास्ता फिर अंग्रेजों का आया और अंग्रेजों ने भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया। खैर उसका चोर गुंबद से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे भारत का एक विकेट हो गया। हम चाहते हैं भारत पाकिस्तान फाइनल में खेले, लेकिन गोरे यहाँ भी लगे हुए हैं हमें अलग करने के लिए, सेमीफाइनल में हमारे सामने डटके खड़े हो गए। ये है बदनाम बाड़क 000, इस बेवकूफ़ को आप इंस्टा पे जाइए और ढेर सारी गालियाँ दीजिए, ये मेरा पूर्णतः अनुरोध है आपसे। मतलब क्या ही ज़रूरत है यार, कुछ कर ले भाई, कृपया लड़कियां मैसेज करे, खासकर यहाँ पे डेप्थ में लिखा हुआ है। ऐसे ही मोन्यूमेंट को खराब करते रहो, क्योंकि इट्स अ नाइस वे टू प्रमोट योर इंस्टा आईडी। गुड, तो ये इतना ही था। चोर गुंबद ऊपर का अलाउड नहीं है, बंद कर रखा, आई डोंट नो व्हाई, सिर्फ ए ग्रेड ऑफिसर्स के लिए खुलता है, DC या कोई बड़ा अधिकारी, सो कॉमन पीपल के लिए ये नहीं खुलता है। ये कहाँ कौन से नॉर्म्स में ये बात, ये मुझे नहीं पता, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हमारी नारनौल की सीरीज़ में हम इस वक्त हैं शाह इब्राहिम सूरी के मकबरे पर, और इसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी का संबंध नारनौल से हरियाणा से भी माना जाता है, कई लोग कहते हैं कि वो यहाँ पैदा हुए, कई लोग कहते हैं कि उनका बचपन यहाँ बीता था, तो इस पे हिस्टोरिकल मुद्दा है, डिबेटेबल मुद्दा है। लेकिन ये मकबरा उसके दादाजी का है, जो 1540 से 45 के बीच बना था, कई जगह 1538 से 1540 के बीच भी बना बताया गया है। और इसको आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इस पे पत्थर की नक्काशी की गई है, और इवन दो उस वक्त पानी वानी से बचाने के लिए इसको ज़मीन से लिफ्ट करके बनाया गया था, ताकि यहाँ पे वाटर किसी भी तरह से इसको डैमेज ना कर पाए। और आप नक्काशी देखिए इस पे पत्थर की, कितनी बेहतरीन तरीके से की गई है। आ जाओ आपको अंदर लेके चलते हैं। अभी इसकी इतनी देखभाल नहीं की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नारनौल में हैं, नारनौल आए, या नारनौल में किसी भी मॉन्यूमेंट में आप विजिट करना चाहें, तो इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। लुक
डिजाइन आपको क्या बताओ, इतने खूबसूरत डिजाइन बना रखे हैं ना। मैं देखिए ये दरवाजा अंदर की तरफ और यहाँ पर नक्काशी देखिए आपको अंदर की, मतलब बहुत बारीक क्रिस्प बिल्कुल डिटेलिंग में काम किया हुआ है इस मकबरे के ऊपर। मुझे मैं मतलब पर्सनली ये कहना चाहूँगा, नारनौल सीरीज में मैंने 3-4 मकबरे और देखे, लेकिन ये वाकई में मस्ट विजिट है। यहाँ से व्यू भी बहुत बेहतरीन है। अभी तो काफ़ी घर बन गए, उस वक्त तो पूरी एक अरावली की रेंज दिखाई देती थी।